हाइप हो सकती है और इंक्रीज। क्या राजपाल का होगा मेन तड़का? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीगेट स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। अनिल कपूर, सलमान खान और बिपाशा बासु जैसा आइकॉनिक कॉम्बिनेशन हमें जिस मूवी में देखने को मिला था, वही मूवी अब कर रही है कमबैक अपने सेकंड पार्ट के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम यहाँ बात कर रहे हैं नो एंट्री 2 की, जो कि बहुत जल्द हमें सिनेमा में देखने को मिलने वाली है। ये मूवी अभी कुछ टाइम पहले सल्लू भाई ने अनाउंस की थी कि एक स्टेज प्रेजेंस में दौरान, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से बेहतर होने वाला है। अपडेट्स की मानो तो सुनने में ये भी आ रहा है कि इस अपकमिंग मूवी में हमें कार्तिक आर्यन की भी एक प्रेजेंस देखने वाली है। भूल भुलैया का फेम के बाद ही कार्तिक आर्यन को वैसे भी काफी मूवीज का ऑफर आ रहे हैं, इसे चलते नो एंट्री 2 में भी उनकी एंट्री होने वाली है। ऑल्दो अगर मूवी में भाई है तो ऑब्वियसली के मेन प्लॉट उनके अराउंड ही होगा, लेकिन पहली मूवी की तरफ से पार्ट में ही होने वाले 3-4 प्लॉट जहां हमें ह्यूमर और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताना चाहते हैं कि खबरें आ रही हैं कि इस बार के पार्ट में हमें ह्यूमर के साथ साथ हॉरर जनरेशंस को भी देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो हॉरर कॉमेडी को फेमस ट्रिक डायरेक्टर अनीस बनर्जी इस बार अपने आने वाले हैं। अनीस ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी क्लियर कर दिया था कि वो इस मूवी को लेकर सलमान भाई 3-4 बार मिल चुके हैं और उन्होंने ये भी बोला है कि जैसा ही उन्हें शेड्यूल फ्री होता है वो इस मूवी पर काम करना शुरू कर देंगे। मूवी के अनाउंसमेंट में सुनकर सलमान भाई के फैंस वैसे भी काफी एक्साइटेड है और इंतजार कर रहे हैं इस मूवी का। बस अब देखना ये है कि कहीं ऑडियंस सलमान भाई को भी बॉयकॉट ना कर दे। तो फिलहाल इसके साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।